नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं हूं पनामा चौक में, जहां पर सुबह के तकरीबन 4-4:30 के बीच में जो है एक ट्रक की ब्रेक फेल हो जाती है। ब्रेक फेल होने के कारण जो है ड्रम सारे के सारे यहां गिर जाते हैं। और किस तरह ये वाकया पेश आया, आइए जाने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? परशुतम कुमार। तो ये बताइए कैसे ये एक्सीडेंट हुआ? एक गाड़ी ऊपर रेलवे से ऊपर से आ रही थी गाड़ी का ब्रेक फेल होने के इसको ड्राइवर को महसूस नहीं हुआ, मालूम नहीं पड़ा। जब इसने ब्रेक लिया तो ब्रेक है ही नहीं, और उसके नीचे आने तक ये गोल चक्कर जो है यहाँ पे पहुँचने पर इसके कोई साधन नहीं देखा और सीधा आके चौक में आके ठोक दिया गाड़ी। गाड़ी ठोकने पर ये गाड़ी तुरंत पलटी हो गई है, और ड्राइवर को जो चोट लगी है अभी वो अपना बख्शीनगर हॉस्पिटल में है। बाकी गाड़ी उसका यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसके अलावा किसी और व्यक्ति को भी चोट आई है? किसी को नहीं आया चोट, बाकी सब बचा हो गया है। उस वक्त रोड खाली थी? खाली था रोड, सुबह 4:30 बजे का टाइम था, 4 बजे का, तब उस टाइम रोड खाली थी। तो इस सब मतलब कि कोई हादसा नहीं हुआ, और खाली यही ड्राइवर और कंडक्टर थे दोनों गाड़ी में, और गाड़ी का ये मतलब यहाँ पे चौक में आके ये हादसा हो गया। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रक है किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ब्रेक फेल जो है वो बताई जा रही है कि ब्रेक फेल हो गई, और इस ट्रक में जो है लुक से भरे हुए ड्रम जो है आप देख सकते हैं, और जिस तरह से ये नुकसान हुआ है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि लाखों का नुकसान जो है इस समय देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये ट्रक जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो यहाँ पर इसमें ड्रम हमें देख रहे हैं, इसमें जो वेट होता है वो 260 टन जो है उसकी परमिशन होती है। हालांकि जो ड्रम की बात करें, यहाँ पर जो क्वांटिटी बताई जा रही है वो बताई जा रही है 260 से 270 तक जो है वो क्वांटिटी जो है इसमें है। तो आपको ट्रक का नंबर की बात करते हैं, जो इस ट्रक का नंबर है वो जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि इस ट्रक का नंबर है PB03X5439। ये सुबह 4 से 4:30 के बीच में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसमें जितने भी ड्रम थे वो ड्रम जो है यहाँ पर सड़क पर गिर गए थे, ड्रम में लुक भरी हुई थी। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है उसको थोड़ी सी चोटें ज़रूर आई हैं, और वो इस समय GMC अस्पताल में भर्ती है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।